नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो यूपी में निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अब अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रत्याशियों के नाम पर विचार भी कर रही हैं। इस मुद्दे पर प्राइम टीवी ने रालोद के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत करते हुए निकाय चुनाव के लिए रालोद की तैयारियों के बारे में जानने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने निकाय की सीटों पर आरक्षण की घोषणा कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव के लिए अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं और अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक कर रही हैं और निकाय चुनाव के लिए मंत्र भी साध रही हैं। ऐसे में हम इस समय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल जो है आगामी निकाय चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीतियाँ बना रहा है। सर, निकाय चुनाव जो है होने वाले हैं और सभी जो राजनीतिक दल हैं अपनी रणनीति के साथ निकाय चुनाव में मजबूती से उतरने वाले हैं, ऐसे में रालोद के पास क्या विकल्प है, क्या जो है रणनीति रालोद के पास है इस निकाय चुनाव में? देखिए, रालोद जो है पिछले 5-6 महीने से पूरे प्रदेश में अपने संगठन का तंत्र मजबूत किया है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के लगभग 55-56 जिलों में मेरा दौरा भी हुआ है। इस निमित्त कार्यकर्ता उत्साहित है और मेहनत कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके ये चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए एक कमेटी दोनों दलों के तरफ से बना दी गई है, अलग अलग लोगों की। राष्ट्रीय लोकदल के तरफ से सभी जिलों को सूचित कर दिया गया है कि जो भी लड़ने के लिए उम्मीदवार इच्छुक है उनका आवेदन पत्र लेकर के प्रदेश कार्यालय को भेज दें। अभी तक 200-250 ऐसे आवेदन पत्र प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं। इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन कब तिथियों की घोषणा करता है। सर, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, तो क्या निकाय चुनाव को लेकर जो है रालोद और सपा की कोई बैठक हुई है या फिर होने की संभावना? अभी इस संदर्भ में कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों की तरफ से कमेटी गठित हो चुकी है और जब तक निर्वाचन आयोग की तिथि नहीं आ जाती है तब तक बैठक करने का कोई औचित्य भी नहीं था। जब ही निर्वाचन आयोग की जो है तिथियों का अनाउंस होगा आपस में बैठक करके और तय कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में काशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ऐसा माना जा रहा है कि उनके इस मूवमेंट से वो दलित वोटरों को साधने की फिराक में है। तो पहले दलित वोटर जो है बसपा का कोर वोटर था, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ा, अब समाजवादी पार्टी ओबीसी और दलित वोटरों को साधने में जुड़ी है। तो रालोद जो है क्या कुछ कर रही है अपने कोर वोटरों के लिए और दलित का जो दलित वोट बैंक है वो किस तरफ झुकता दिखाई दे रहा है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पहले से ही पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपस में झगड़े हुए थे, सामाजिक ताना बाना बिखरने की स्थिति पैदा हो गई थी, सहारनपुर से शुरू हुआ था जातीय झगड़े, उसमें दलित एक तरफ था, दूसरे लोग एक तरफ थे, उस दौर में चौधरी जयंत सिंह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अभियान चलाया आपस में समरसता लाने के लिए। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से लोकदल इस काम में लगा हुआ है और चंद्रशेखर को साथ लेकर के कई मीटिंगें भी हुई हैं, विभिन्न जिलों में हुई हैं। इसलिए लोकदल का तो मुख्य उद्देश्य ही है पूरे प्रदेश में समरसता कायम करना, समरसता पैदा करना, और एक समरस समाज ही देश के विकास में सहायक बन सकता है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने काशीराम जी के प्रतिमा का अनावरण किया है, वो भी अपने वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, वोट गरीबों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं, इसका तो स्वागत होना चाहिए। और महापुरुष किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, न किसी एक पार्टी के होते हैं। महापुरुष तो समाज की थाती हुआ है, समाज का अधिकार होता है महापुरुषों पर, और इसलिए अखिलेश जी ने जो कदम उठाया है उसका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। अगर बात की जाए पिछले पंचायत चुनाव की, तो आपके गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें हासिल की थी, तो इस बार क्या रणनीति लेके निकाय चुनाव और आम चुनाव में आपका गठबंधन जाने वाला है? क्योंकि तीसरे फ्रंट की वकालत जो है लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो एक तीसरा फ्रंट बनाने की भी तरफ भी दिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों का केवल अभी फोकस है स्थानीय निकाय चुनाव पर। नगर पालिका, टाउन एरिया, नगर निगमों में
हमारे दल के अच्छे उम्मीदवार चुन करके आएँ, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बेहतर उम्मीदवार, बेहतर कैंडिडेट देकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम अपने पार्टी के पक्ष में मोड़ने का काम करें। अभी मुख्य फोकस हम लोगों का इसी बिंदु पर है। एक मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में है कि एनसीईआरटी के सिलेबस से जो महान रचनाकार हैं, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात हो या फिर विष्णु खरे की बात हो, कबीर की कुछ रचनाएं जो हैं एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन चीज़ों को? ये घटनाएँ अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। साहित्य समाज का निर्माण भी करता है और समाज का दर्पण भी होता है। साहित्यकारों के बारे में समाज के युवा पीढ़ी को जानना, समझना, उनके बारे में अध्ययन करना, इससे उनकी भावनाएं प्रभावित होती है, उनके विचार प्रभावित होते हैं। अब मुझे बड़ा ही दुखद लग रहा है कि कैसे अनपढ़ लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए सामाजिक क्षेत्र में और संस्थाओं में पीएचडी और पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जो भी ये निर्णय किए हैं, मुझे उनके प्रतिभा पर ही सवाल पैदा करता है ये कि ऐसे मूर्धन्य विद्वान महादेवी वर्मा, निराला जैसे महान कवि, इनकी लेखनी और इनकी कविताओं को शिक्षा से बाहर करना, पठन पाठन से बाहर करना, उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आती है। तो ये थे हमारे साथ रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहित्य जो है वो समाज का प्रतिबिंब दिखाता है, आईना है, दर्पण है। इनकी रचनाओं को बाहर करना ये हिंदी साहित्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं रालोद आने वाले समय में निकाय चुनाव पर पूरा फोकस बनाए हुए है और पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन रालोद इस निकाय चुनाव में करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन ऐसे में रालोद पूरी तरीके से निकाय चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हमने सुना कि किस तरीके से कहा गया कि निकाय चुनाव लड़ने के लिए रालोद पूरी तरीके से तैयार है। बस तारीखों का जैसा ही ऐलान हो जाएगा, हमारे कार्यकर्ता और तेजी से जुट जाएंगे। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस।